दोस्तों, आज जून 22 तारीख है और आज सबसे ज़्यादा जो धमाकेदार न्यूज़ है इमिग्रेशन में, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर करके यूएस में H-1B वर्क वीज़ास और टेम्पररी वीज़ास COVID-19 के कारण देते हुए इन्होंने बंद कर दिया है, ये 60 डेज़ के लिए। आओ देखते हैं न्यूज़ की बारीकियाँ क्या हैं। ये फ्रीज़ है थ्रू द एंड ऑफ 2020। प्रोक्लेमेशन एक्सटेंड द 60-डे फ्रीज ऑन वर्क वीज़ास पुट इन प्लेस इन अप्रैल। अप्रैल से पहले ही हुआ था 60-डे फ्रीज, उसको एक्सटेंड कर दिया। ये पूरे साल चलेगा, होपफुली इलेक्शन के बाद पता लगेगा पोजीशन क्या होना है। H-1B, H-2B, H-4, J-1, L-1 वीज़ास, ये सारे बंद हो जाएंगे। ये सारे वर्क वीज़ास रिलेटेड हैं, इनसे नौकरी करते हैं लोग, तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो ये शायद एक कारण उन्होंने दिया है। इससे 5,25,000 जॉब जो हैं वो अवेलेबल होंगी अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। ये उनका मानना है कि ये जॉब्स अमेरिकन्स को करने चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को। द एक्सेप्शंस दे आर नन अदर देन H-1B, H-4, H-2B। आई नोटेड H-2B एक्सेप्शन, H-2B नहीं है इसमें अगर आप देखें, क्योंकि H-2B जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, जो एक्वा कल्चर सी फूड इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके लिए एक्सेप्शन कर रखा है। दैट इज़ अबाउट 10-15% ऑफ ऑल H-2Bs आर इन सी फूड और फूड प्रोसेसिंग। जो H-2B जो वर्कर्स हैं, जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, 6-6 महीने के लिए सीजन वर्कर्स हैं, जो इस तरह का काम करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उनके लिए एक्सेप्शन कर रखा है। L-1 वीज़ा के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। L-1 वाले सारे उनको सफ़र करेंगे। और देखें और इसमें क्या है, और दैट इज़ इट, दैट्स प्रटी मच इट। सो ये पूरे साल तक चलेगा। इसमें आप नए जो वीज़ा जो ऑलरेडी इस वक्त इन अमेरिका हैं, जो अभी जो जिनके पास वीज़ा है उनको इफेक्ट नहीं होता। ये जो नए जो वीज़ास हैं उनके लिए है, बस इतना जानना है इसमें ज़रूरी, कि जो नए वालों को वीज़ा नहीं लगेंगे, बाकी लोगों के लिए ठीक है। एक और आज बड़ा ज़रूरी एक प्रोक्लेमेशन आया है जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें क्या होता था कि पहले जो असालम फाइल करते थे उनको एक वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, EAD कार्ड जिसको कहते हैं, वो मिल जाता था पेंडिंग आपके असालम एप्लीकेशन। अब ये नहीं मिलेगा, तो ये ज़रूर एक ये और है कि सब एक कोरोना वायरस करके है शायद, और भी कुछ बात हो सकती है कि भाई किसी को काम करने ना दे, तो वो अब बंद होगा। इसका भी आज ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यू कैन टाइप ऑन गूगल और इसको भी आप पढ़ सकते हैं, सारा दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन वो कब लेंगे उसका भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है। नंबर 1 बोर्ड में एक्सटेंड द वेटिंग पीरियड टू अप्लाई फॉर EAD। DHS has proposed as asylum applicants wait 365 days from the date of the asylum application are received। एक साल बाद अप्लाई करेंगे। पहले होता था जल्दी से मिल जाता था और लोग काम करते थे जब तक असाल नहीं होता, अब एक साल तक नहीं मिलेगा, तो एक साल तक वो उनके लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि भी कैसे काम करना है। बट एनीवे जो मेन न्यूज़ है वो है ट्रम्प की जो जो वीज़ास फ्रीज हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। है जरूर अपने कमेंट्स, जरूर मेरे को कमेंट्स आपको भेजें और बताएं आपका क्या सिचुएशन है। ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर।